आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अयोध्या प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और हर जगह प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा गया है। हर राज्य अपने यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है कि इस प्रकरण का फैसला आने के बाद सभी जगह शांति बनी रहे। अयोध्या में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पंचकोसी परिक्रमा को लेकर अलग व्यवस्था की गई है और ड्रोन से अयोध्या शहर की निगरानी की जा रही है। अयोध्या को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कई पीस कमेटियां बनाई हैं। इन कमेटियों में शामिल लोग जिले के गाँव में जाकर लोगों से शांति और प्रेम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसी तरह के प्रयास अलग अलग राज्यों की पुलिस ने भी किए हैं। बाहर के जिलों में दर्जनों की संख्या में अस्थायी जेल परिसरों का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। स्कूल और प्राइवेट बिल्डिंगों को अस्थायी जेल के लिए चिन्हित भी किया गया है। अयोध्या के हर इलाके में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के फैसले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजी है। सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भेजी हैं। इन 40 कंपनियों में 4000 मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अयोध्या पर फैसला शुक्रवार 8 नवंबर को आ जाएगा। फैसले का समय हो सकता है दोपहर 3:30 बजे, जबकि कुछ अन्य लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की विशेष पीठ मंगलवार यानी 12 नवंबर के बाद इस मामले में फैसला सुनाएगी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है और पारे ने भी गोता लगा दिया है। कश्मीर में कल से ही भारी बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से राज्य के कई अहम हाईवे बंद हो गए हैं और यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। हालांकि सैलानी बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं, लेकिन लगातार गिर रही बर्फ ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। इसकी वजह से श्रीनगर में 100 से ज़्यादा जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है, जबकि श्रीनगर आने और जाने वाली सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गईं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो कश्मीर में इस भारी बर्फबारी का सीधा असर जल्दी ही मैदानी इलाकों में नजर आने लगेगा। बर्फबारी ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित करते हुए भारी नुकसान किया है, वहीं हंदवाड़ा में हिमस्खलन की वजह से 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। कुपवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कैंप पर हिमस्खलन हुआ, जिसमें 2 जवान दब गए। जब तक उन्हें निकाला जाता तब तक वो शहीद हो गए। पवई से बीजेपी विधायक पहलाज सिंह लोधी को तहसीलदार से मारपीट के मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी थी। भोपाल की विशेष अदालत के फैसले को अपील के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, साथ ही अंतरिम आवेदन के जरिए सजा पर रोक की मांग की गई। बुधवार को आवेदन पर बहस पूरी होने के बाद सुरक्षित आदेश गुरुवार को जारी किया गया। मामले पर बहस के दौरान हाईकोर्ट में पन्ना जिले के पवई से भाजपा विधायक रहे पहलाज सिंह लोधी की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया। जस्टिस वीपीएन चौहान की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर बाद में सुनाने की व्यवस्था दी थी। लोधी ने भोपाल की विशेष अदालत से सुनाई गई 2 साल की सजा को चुनौती देकर जमानत का आग्रह किया है। दतिया एसडीएम जेपी गुप्ता के ऑफिस में भांडेर कांग्रेस विधायक रक्षा संतराम के पति कांग्रेस नेता संतराम ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने एसडीएम को धमकाना शुरू किया तो एसडीएम ने विधायक पति का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। विधायक पति और कांग्रेस नेता संतराम को ये इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने एसडीएम का मोबाइल फोन छीन लिया और उन्हें जमकर धमकाया। दतिया एसडीएम ने गिट्टी से भरा ओवरलोड ट्रैक्टर पकड़ा था। विधायक पति संतराम इस ट्रैक्टर को छुड़ाने पहुंचे थे। जब मामला बिगड़ा तो उन्होंने एसडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद एसडीएम ने ट्रैक्टर की जांच कराने की बात कही। एसडीएम जब अपनी सेफ्टी के लिए विधायक पति की दादागिरी का वीडियो बना रहे थे तो विधायक पति कांग्रेस नेता और उनके साथ आए लोग गुंडागर्दी पर उतारू हो गए और एसडीएम का मोबाइल फोन छीन लिया। क्यों कराएंगे जांच? रॉयल्टी ली है ना वो, रॉयल्टी है उसके पास। तो आप सबकी जांच कर रहे हैं क्या? जो मैंने पकड़ा है, आप चलवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, मुझे सब पता है। रोड पे चलो, अभी आप रोड पे चलो, अभी निकल रही है जो आपके माध्यम से। जो मैं पकड़ रहा हूँ, रोड पे चल रहे हो, मचा रखा है तुमने। क्या भ्रष्टाचार मचा रखा है? नहीं आप बताइए क्या भ्रष्टाचार क्यों? आप कह रहे हैं ना रोड पे चलिए, बताइए हो रही सब जगह, पूरा अवैध चल रहा है। आपको देखो, जो मैंने पकड़ा है उसकी मैं जाँच कराऊंगा, ठीक है? नहीं तो वो आपने गलत पकड़ा ना, उसमें आपने पैसों की मांग की, आपने आपने पैसों की मांग की, आपने तो गलत कर रहा है। आपने पैसों की मांग कर रहा हो, पैसों की मांग कर रहा हो, पैसों की मांग कर रहा हो, पैसों की मांग कर रहा है तू, पैसों की मांग कर रहा है, पैसे से लोग दे रहे हैं, जो लोग पैसे दे रहे हैं उनका काम कर रहा हो। इसके बाद इस घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया,
जिसके बाद एसडीएम कार्यालय में घुसकर एसडीएम जेपी गुप्ता के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ थाना बड़ौनी में मामला दर्ज किया गया। थाना बड़ौनी पुलिस ने आरोपी भांडेर विधायक पति संतराम, कांग्रेस नेता जीतू दांगी, अजय शुक्ला के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। उसमें कोई ट्रैक्टर छोड़ने को लेकर के कुछ विवाद सामने आया था और एसडीएम दतिया ने एक आवेदन थाना बड़ौनी में दिया गया है। उसमें जो है कार्रवाई करते हुए उसमें प्रकरण कायम किया गया है 353 का और आगे की विवेचना की जा रही है। उसमें संख्या आई थी कि 3 लोगों के विरुद्ध मामला कायम हुआ है। अब उसमें नामजद कौन कौन है ये एफआईआर आने के बाद ही बताएंगे। मैं अगर किसी कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ, मेरा एक महीने से गाड़ी में अगर पीछे मुझे रिटर्न भी कर सकते क्यों? देखिए आप कितने कॉल बैक है मेरे, बहुत सारे कॉल बैक होंगे। नहीं है आपकी कॉल बैक काफ़ी कॉल, ऐसा नहीं है, मैं कॉल बैक करता हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ मैं कॉल बैक भी करता हूँ। और तुमसे मैंने कहा कि ट्रैक्टर छोड़ दो, मेरे कार का करता है, तुम कह रहे जांच करा रहे हो। जांच तो कराने क्यों कराएंगे, जब मैंने पकड़ा है तो जांच भी कराऊंगा मैं। नहीं तो उसमें कमी क्या, रॉयल्टी की जांच करा रहे हैं, जो मैंने पकड़ा है उसकी जांच करा रहे हो, क्या करवा रहे हो सब बता रहे हो। चलो अभी क्या, चलो अभी क्या, जो आपके माध्यम से जो मैं पकड़ रहा हूँ उसको मैं करवा रहा हूँ। क्या 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 भ्रष्टाचार मचा रखा है? नहीं आप बताइए क्या भ्रष्टाचार मचा रखा है। आगामी विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पत्र लिखकर अपने सभी विधायकों से जनता से जुड़ी समस्याएं बताने के लिए कहा है। भार्गव ने स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों, अधिकारियों, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किए जाने और उन पर झूठे प्रकरण बनाए जाने संबंधी घटनाओं का ब्यौरा भी मांगा है। भार्गव ने कहा है कि शीतकालीन सत्र में कमलनाथ सरकार में जो स्थानांतरण में भ्रष्टाचार हुआ है उस मुद्दे को उठाया जाएगा। साथ ही किसान कर्ज माफी, अतिवृष्टि में खराब हुई फसलों के मुआवजे और खराब सड़कों जैसे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ये कोशिश होगी कि पिछले 11 महीने में मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है स्थानांतरणों में, अन्य प्रकार से लेन देन नीतियों में भ्रष्टाचार हुआ है, सड़कों की स्थिति खराब है, किसानों के लिए राहत राशि प्राप्त नहीं हो रही, अतिवृष्टि के कारण जो लाखों हेक्टेयर में क्षति हुई थी राज्य की उसमें राशि का एक पैसा भी जारी नहीं हुआ है, किसानों की ऋण माफ़ी नहीं हुई, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन ऐसे अनेकों विषयों को लेके भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल और हमारे सभी साथी विभिन्न प्रकार से विभिन्न माध्यमों से जो भी हमको विधानसभा के नियमों के अंतर्गत अनुमति होती है, स्थगन सूचनाएँ, ध्यानाकर्षण सूचनाएँ, तारांकित अतारांकित प्रश्न 147 के अंतर्गत चर्चा, इन सब विषयों पर हम चर्चा करवाएंगे। गोपाल भार्गव के इस बयान पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि भार्गव जनता के वोट और मुख्यमंत्री कमलनाथ का अपमान न करें, कितने भी रिकॉर्ड मंगा लें, बीजेपी के विधायक नाराज होंगे तो कांग्रेस को ही समर्थन देंगे। प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर पटवारी ने कहा कि लोधी की सदस्यता बीजेपी कार्यकाल में बने प्रकरण के कारण ही गई है। मेरी नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध है कि आप ये जो वोट मिला जनता ने दिया, कमलनाथ जी ने भरोसा जताया, उसका अपमान न अपमान करोगे तो आप कितने भी रिकॉर्ड मंगा लो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपसे नाराज होंगे, कांग्रेस को समर्थन। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की कैलाश विजयवर्गीय पर की गई टिप्पणी का जवाब उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय ने दिया। आकाश ने एक वीडियो जारी कर वर्मा को इंदौर से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती देते हुए उनकी औकात दिखाने की बात कही। वहीं मंत्री वर्मा ने कहा कि कोई अपनी औकात भूल जाए तो क्या कहें, कोई गीदड़ शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता। इसके बाद आकाश ने कहा, आपकी सरकार में सभी ठेकेदारों ने बैठक कर इंदौर में काम नहीं करने की बात कही है, इंदौर का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप इंदौर से चुनाव लड़कर दिखाओ, यहां से चुनाव लड़कर बताइए, पता चल जाएगा शेर कौन है और गीदड़ कौन है, आपकी औकात भी आपको पता चल जाएगी। अरे आपकी क्या हैसियत है ये आप स्वयं भी जानते हैं, तभी तो आप इंदौर से चुनाव नहीं लड़ते, तभी तो आप सोनकच भाग जाते हैं। अरे मैं तो आपको चैलेंज करता हूं कि आप असली मर्द हैं तो आप इंदौर में पले बढ़े, आपका घर इंदौर में है, आप इंदौर में रहते हैं, आइए और इंदौर से चुनाव लड़के बताइए, आपको पता चल जाएगा कि शेर कौन है और गीदड़ कौन है। ध्यान रहे, आपका पूरा खानदान लग गया था मुझे चुनाव हराने में, उसके बावजूद मैं चुनाव जीत के आया, और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आप इंदौर में आकर तो दिखाएं, आपको अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। सज्जन सिंह वर्मा जी,
इसके पहले मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, इसी शहर में हम भी रहते हैं, कोई अपनी औकात भूल जाए, कोई गीदड़ शेर की खाल पहनकर आ जाए तो शेर नहीं बन जाता, गीदड़ गीदड़ ही रहता है। भाजपा नेता द्वारा कमलनाथ सरकार को कलंकनाथ सरकार कहने पर कहा कि पहले शिवराज मामा से पूछो जो जगत मामा बन गए थे, वो शकुनी मामा थे या फिर कंस मामा, फिर हम जवाब देंगे। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का चिट्ठी लिखने का स्वभाव है, वो अपने पुत्र मंत्री उमंग सिंघार सीएम को भी चिट्ठी लिखते रहते हैं। दिग्विजय सिंह सांसदों को चिट्ठी लिखने के बजाय ये बताएं कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम किसानों को राहत देने के नाम पर बढ़ाए गए थे वो पैसा कहाँ गया। कमलनाथ सरकार ने कोई भी कार्य धरातल पर नहीं किया है, ना तो किसानों का ऋण माफ हुआ है, ना ही अतिवृष्टि में राहत दी गई है। फिर एक किसान ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, सबको पानी का अधिकार और सबको स्वास्थ्य का अधिकार की बात की जा रही है, पर कार्य कुछ नहीं किया जा रहा। दिग्विजय सिंह जी का स्वभाव है चिट्ठियां लिखने का, वो पुत्र को भी चिट्ठी लिख देते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी लिख देते हैं, उमंग जी को भी लिख देते हैं। चिट्ठी लिखने से बेहतर वो बताएं कि जो डीजल और पेट्रोल पे उन्होंने पैसा बढ़ाया था, अतिवृष्टि के नाम पर बढ़ाया था, राहत के नाम पर बढ़ाया था, उसका क्या हुआ अभी तक, कितना आया और कितना गया, और अभी तक राज्य सरकार ने कितना बांटा है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बेटियों की शादी के कन्यादान योजना के पैसे नहीं दिए गए, कमलनाथ सरकार जानबूझकर किसानों की उपेक्षा कर रही है, नया लोन मिल नहीं रहा, किसान क्या करे, किसान रोज आत्महत्या कर रहा है और सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। जवान पामेड़ वन अभयारण्य क्षेत्र के जंगलों में गश्त पर निकले थे, इसी दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में टीम के साथ चल रहे कांस्टेबल कांता प्रसाद को गोलियां लगी। जवाबी फायरिंग करते हुए जवानों ने नक्सलियों का पीछा किया, दोनों ओर से तकरीबन आधे घंटे तक गोलियां चलती रहीं, लेकिन घने जंगलों की आड़ लेकर नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में गोली लगने के बाद जवान कांता प्रसाद को वहां के नजदीकी अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल जीएच राजू ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सीआरपीएफ की बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस की कोबरा बटालियन के जवानों की संयुक्त पार्टी बीजापुर में तड़कई सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान अंधेरे में नक्सलियों की टुकड़ियों से जरापल्ली इलाके में उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल कामता प्रसाद को गोली लगी और वो शहीद हो गए। मुठभेड़ खत्म होने के बाद सुरक्षा बल घटना स्थल पर सर्चिंग कर रहे हैं। इस मुठभेड़ में नक्सलियों की ओर से किसी क्षति की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद थे और फोर्स को एम्बुश में फंसाने की फिराक में बैठे थे। सागर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के चार लोगों ने जहर खा लिया, जिनमें से तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जहर खाने से जहां पत्नी पूनम पटेल समेत 6 माह की बच्ची जिया और 10 वर्ष की सोनम की मौत हो गई है, जबकि युवक मनोज पटेल की हालत गंभीर बनी हुई है। जहर खाने के कारणों का पता नहीं चल सका है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बमोरी रेगवा गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की डेथ हुई है, उसमें जो पति है वो अभी गंभीर रूप से स्थिति में इलाजरत है और उसकी पत्नी और दो बेटियों की डेथ हुई है। अभी प्रारंभिक जो जानकारी मिली, पति का इलाज चल रहा है, घटनास्थल से भी जानकारी ले रहे हैं। जो तीन की डेथ हुई उनके पोस्टमार्टम से कारण स्पष्ट होगा, प्रारंभिक रूप से मर्ग पंजीवत करके जाँच। टीकमगढ़ झांसी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सुबह टीकमगढ़ से झांसी की ओर जा रही सोना कंपनी की बस मड़िया ग्राम के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रॉली में जा टकराई। बस की टक्कर इतनी भीषण थी कि टक्कर होते ही बस के परखच्चे उड़ गए। बस में सवार एक महिला समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अफसर घटना स्थल पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। बस की गति इतनी तेज थी कि वो बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और टायर फटने से बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रॉली से जा टकराई। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र में एक चचेरे भाई ने अपने भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना मौसानिया गाँव की है, जहाँ राजकुमार कुशवाहा ने अपने चचेरे भाई हन्नू को अपने घर पर शराब की पार्टी देने के लिए बुलाया। दोनों भाइयों ने साथ बैठकर देर रात तक शराब पी। शराब पीने के दौरान दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि शराब के नशे में चूर राजकुमार ने कपड़े पीटने वाली मुंगेरी से हन्नू के सिर पे कई बार किए और जब हन्नू मर गया तो उसका शव झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। इसकी सूचना जब पुलिस को लगी तो मौके पर जाकर पुलिस ने हन्नू का शव बरामद किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। थाना नौगांव में मऊसानिया गांव की घटना है। इसमें दो चचेरे भाई आपस में रात्रि में उनकी पार्टी चल रही थी, उसके बाद में उनमें झगड़ा हुआ और हन्नू कुशवा नामक जो व्यक्ति है उसके चचेरे भाई राजकुमार ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। उसमें आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। मुगावली में अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। मुगावली के हृदय कहे जाने वाले जय स्तंभ पर अवैध रूप से सामान रखकर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा किया था, जिसके बाद नगर परिषद सीएमओ विनोद उन्नीथन ने तत्काल अतिक्रमण टीम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अतिक्रमण टीम द्वारा सामान को जब्त कर 500 का चालान काटा गया। इस कार्रवाई के दौरान सफाई दरोगा सहित नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुगावली नगर में अतिक्रमण के चलते नगर की जनता को इन दिनों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर की चौड़ी सड़कें सक्रिय होती जा रही है। नगर में भारी अतिक्रमण के चलते इन दिनों निकलना मुश्किल है। अतिक्रमणकारियों ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है, साथ ही मेन रोड पर भी अपनी लंबी चौड़ी दुकान लगाते हैं, जिससे निकलने वालों के साथ साथ वाहन निकलने में भी भारी परेशानी होती है। नगर परिषद सीएमओ ने अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। मैं सुबह भ्रमण के दौरान लौट रहा था, तब मैंने देखा कि जयस्तंभ चौक के अंदर ये अनाधिकृत रूप से सामान रखा हुआ था, तो मैंने अपने तत्काल ही अतिक्रमण टीम को भेजा। उनने पूरी तरह से जो भी सामान था सबको जब्त कर लिया और उसके बाद संबंधित व्यक्ति जब आए तो उनको कुछ चालान करके हमने उनको सामान लौटा दिया। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में छात्राओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा कर रही मुरार गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि जेयू प्रबंधन ने ठीक ढंग से उनकी कॉपियाँ नहीं जांची हैं और उन्हें फेल कर दिया गया है, जिसकी उन्होंने शिकायत जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन से की थी। लेकिन पिछले एक महीने से कई बार चक्कर काटने के बाद भी अभी तक रिजल्ट के नंबरों में कोई सुधार नहीं किया गया है। जैसे ही हंगामा ज्यादा बढ़ा, मौके पर छात्र संगठन से जुड़े सभी युवा मौके पर पहुंच गए। हंगामा बढ़ता देख प्रबंधन ने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँच कर स्थिति को संभाला। हम लोगों का रिजल्ट इतना बेकार करके रखा है और सारे बच्चों की कॉपी में जीरो मार्क्स से दे के रखा है। इतना तो हम लोग पढ़ते हैं कि ये लोग ये भी एक नंबर भी मार्क्स नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले में प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने सभी कॉपियों को दोबारा जांच कर ली है। जब ठीक ढंग से कुछ लिखा ही नहीं गया तो नंबर कम ही आएंगे। छात्राएं जबरदस्ती प्रबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन विश्वविद्यालय इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। हालांकि करीब दो घंटे तक हंगामा करने के बाद छात्राओं को विश्वविद्यालय से बेरंग लौटना पड़ा। अब कुछ नहीं, अब पास्ट ऐसा क्यों हुआ? पूरे इतिहास में नहीं हुआ कि लड़की किसी को फेल कॉपी में कुछ लिखा नहीं पास कर दो। आंदोलन में थोड़ी कोई पास हो जाएगा, जबरदस्ती कुछ नहीं है बस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।